Albenzerezzo means the thinker is a poem by John Milton, first found in the 1645-46 Quarto of Verses, the poems of Mr. John Milton, both English and Latin, published by Humphrey Maudsley. It was presented as a companion piece. इस पोयम में पोएट मिल्टन ने मेलनकली का आह्वान किया है और वो मर्थ की देवी इफ्रोसाइन को व्यर्थ बताते हैं. वो कहते हैं हेंस वेन डिल्यूडिंग जॉयस. डिल्यूडिंग जॉयस मीन्स भ्रामक खुशियाँ, वेन मीन्स व्यर्थ, हेंस इसलिए अब से. वो कहते हैं इसलिए अब से तुम व्यर्थ हो क्योंकि तुम भ्रामक खुशियाँ देती हो. द ब्रूड ऑफ फॉली विदाउट फादर ब्रेड. तुम्हारा कोई भी पिता नहीं है. द ब्रूड ऑफ फॉली, तुम तो मूर्खता की संतान हो. ब्रूड ऑफ फॉली मूर्खता की संतान हो. हाउ लिटिल यू बेस्टेड. बेस्टेड मीन्स हेल्प. तुम तो उन्हीं की हेल्प कर सकती हो. और फिल द फिक्स्ड माइंड विद ऑल योर टॉयज. टॉयज मीन्स साधन. और तुम अपने साधन उन्हीं के दिमाग में फिल कर सकती हो, फिक्स कर सकती हो. ड्वेल इन सम आइडल ब्रेन, जो निष्क्रिय मस्तिष्क वाले हैं, यानी तुम्हारा निष्क्रिय मस्तिष्क ही तुम्हारा निवास स्थान है. एंड फैंसीज फॉन विद गॉडी शेप्स पजेजेस. एंड फैंसीज फॉन, यहाँ फॉन से आशय फुलिस से है, मतलब मूर्ख से है. मतलब कि हे मर्द, तुम मूर्ख हो और भड़कीली आकृतियाँ धारण करती हो. गॉडिशियस मतलब भड़कीली आकृतियाँ, पजेजेस मतलब धारण करती हो. एस थिक एंड नंबर लेस. थिक एस नंबर लेस मतलब तुम मोटी बुद्धि वाले वे असंख्य लोग. एज मोटी बुद्धि वाले असंख्य लोग. एज द गे मोर्स दैट पीपुल द सन बीम्स. सन बीम्स यानी सूरज की किरणें. गे मतलब प्रसन्न करने वाला. मोर्स मीन्स धूल के कण. और वे लोग जो सूरज की किरणें जब धूल के कणों पर पड़ती है उसे देखकर प्रसन्न होते हैं. और लाइकेस्ट होवरिंग ड्रीम्स, और खोखले स्वप्नों को देखकर भी प्रसन्न होते हैं. तुम ऐसे लोगों की बुद्धि में निवास करती हो. द फिकल पेंसनर ऑफ मॉर्फियस ट्रेन. और तुम मॉर्फियस के फॉलोअर्स में भी हो. मॉर्फियस ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड ऑफ ड्रीम्स को मॉर्फियस कहते हैं. और पेंसनर यहाँ पे फॉलोअर्स है, मतलब तुम मॉर्फियस मतलब जो गॉड ऑफ ड्रीम है तुम उनकी भी फॉलोअर हो. बट हेल दाउ गॉडेस सेज एंड होली, हेल डिवाइनस मेलनकली. लेकिन डिवाइनस मेलनकली मतलब ए दिव्य मेलनकली, सेज एंड होली मतलब समझदार और बुद्धिमान. हेल दाउ गॉडेस, मैं आपका स्वागत करता हूँ. हु सेंटली विशेज इज टू ब्राइट. सेंटली विशेज मतलब साधु जैसी झलक, जिसकी साधु जैसी झलक बहुत ही ब्राइट है. टू हिट द सेंस ऑफ ह्यूमन साइट, जो कि मानव के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है. एंड देयर फोर टू आवर वीकर व्यू, और हमारे वीकर व्यू को भी ये प्रभावित करती है. और लेट विद ब्लैक स्टेयर स्टेट विजडम ह्यू. ब्लैक बट सच एज इन स्टीम. पोएट आगे कहते हैं कि तुम इन काले कपड़ों में काले कपड़ों को पहन रखा है, ये तुम्हारे काले कपड़े तुम्हारी बुद्धिमत्ता का परिचायक हैं. प्रिंस मैमन सिस्टर माइट बी सीम. तुम प्रिंस मैमन्स की सिस्टर हमारा की तरह प्रतीत हो रही हो. मैमन्स ये इथियोपिया का किंग था और ट्रॉय का मोस्ट हैंडसम वॉरियर था. उसकी बहन का नाम हमारा था जो कि बहुत खूबसूरत थी. तो यहाँ पर पोएट ने मेलनकली के काले कपड़ों की तुलना की प्रशंसा हमारा की ब्यूटी से की है. और दैट स्टार्ट एथियोप क्वीन दैट स्ट्रोव टू सेट हर ब्यूटीज प्रेस अबव द सी निम्स एंड देयर पावर ऑफ powers offended yet thou art higher for descended. और वो आगे कहते हैं कि इथियोपिया क्वीन कैसोपिया, जो जिसने कि ये मतलब कि ये दावा किया कि वो सी निम्स से भी ज़्यादा खूबसूरत है. और सी निम्स ने अपने रिवेंज के लिए एक मॉन्स्टर उसके देश में भेजा और उसे मार डाला. और वो मरने के बाद एक नक्षत्र तारे में परिवर्तित हो गई. तुम उस इथियोप क्वीन की तरह ही बहुत ही ब्यूटीफुल हो.